हे गाइज, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, दिसंबर मंथ जो है वो बहुत ही खास होने वाली है। गाइज, दिसंबर मंथ में तीन तीन न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने वाली है, जो कि पहला है गोगुरु कंपनी की। लेकिन गाइज, इसका डेट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये 2023 के दिसंबर मंथ में ही लॉन्च होगी। दूसरा है सिंपल एनर्जी की सिंपल डॉट वन इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसको 15 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। और गाइज, तीसरा जो है वो एक न्यू स्टार्टअप कंपनी है, जिसका नाम है क्रेटर मोबिलिटी। और गाइज, ये कंपनी अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है 2 दिसंबर को। गाइज, क्रेटर मोबिलिटी एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, जो अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर को 19 नवंबर 2023 को लॉन्च करने वाली थी। लेकिन गाइज, जैसा कि हम सबको पता है, उस दिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल मैच चल रहा था, इसके वजह से उस दिन लॉन्च नहीं किया गया। लेकिन गाइज, अब फाइनली 2023 के 2 दिसंबर को इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया जाएगा। और गाइज, बताया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चलते चलते ही चार्ज होगी। लेकिन गाइज, ये अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया गया है, लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। लेकिन गाइज, इसमें एक चीज नोटिस करने वाली जरूर है। गाइज, इसकी जो डिजाइन है वो हम सब के सोच से परे है। गाइज, इसके फ्रंट में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। जी हाँ गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसके फ्रंट में आपको ड्यूल सिंग आर्म देखने को मिल जाएगा। उसके फ्रंट में और हेड लैम्प के बीच में आपको एक मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को औरों से अलग और यूनिक बना देती है। और थोड़ा सा अजीब जरूर है, लेकिन औरों से काफ़ी अलग है। आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करें इसके बैटरी और मोटर की गाइज, तो इसमें आपको फिक्स बैटरी पैक देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसकी कैपेसिटी क्या है वो अभी रिवील नहीं किया गया है। मोटर की बात करें गाइज, तो इसमें आपको मिड ड्राइव मोटर देखने को मिल जाएगा, और गाइज इसका भी अभी पावर रिवील नहीं किया गया है। गाइज, कुल मिलाकर अभी कुछ ज़्यादा रिवील नहीं किया गया है, लेकिन गाइज जिस प्रकार से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिजाइनिंग किया गया है, उससे लगता है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर परफॉर्मेंस वाइज और फीचर वाइज भी काफ़ी तगड़ा होने वाला है। आपको क्या लगता है गाइज, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहीं पे अगर बात कर ले सिंपल डॉट वन की गाइज, तो इसमें आपको स्वैपेबल बैटरी पैक देखने को मिल जाएगा, जिसकी कैपेसिटी है 3.7 किलोवाट आवर्स का, जिससे इसकी रेंज हो जाती है 145 किलोमीटर की। इसकी प्राइस की बात करें गाइज, तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 1 लाख। और गाइज, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 15 दिसंबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। अब अगर बात करें गोगुरु कंपनी की गाइज, तो गोगुरु कंपनी भी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंडियन मार्केट में दिसंबर मंथ में ही लॉन्च करने वाली है, लेकिन गाइज डेट अभी कन्फर्म नहीं किया है। और गाइज, जैसा कि आप सबको पता होगा, गोगुरु कंपनी एक ताइवान की कंपनी है, जो कि इंडिया के महाराष्ट्र में $1.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, जहां पे अपनी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और गाइज, गोगुरु कंपनी भी अभी ये रिवील नहीं किया है कि फीचर क्या होंगे, रेंज क्या होगा, इसकी प्राइस क्या होगी। लॉन्च होने के बाद भी ये सारा कुछ रिवील किया जाएगा। बाकी गाइज, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता है।